नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। अगर कोई व्यक्ति आपको न्यूज या आपत्तिजनक तस्वीरें आपकी मर्जी के बिना भेजता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस बात को नजरअंदाज इग्नोर करके पिक्चर्स को डिलीट कर देंगे या उस इंसान को ब्लॉक कर देंगे? शायद ब्लॉक ही कर देंगे, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें भेजने वाला व्यक्ति आपका टीचर हुआ या आपका बॉस हुआ या ऐसा कोई भी इंसान हुआ जिसके काम से आपकी ज़िंदगी, आपके करियर पर असर पड़ता है, तो क्या आप उसे ब्लॉक करेंगे या सिर्फ नज़रअंदाज करेंगे या फिर आप उसके खिलाफ कदम उठाएंगे? अगर कोई कदम आप उठाएंगे तो इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? अगर कोई आपकी निजी तस्वीरें आपकी मर्जी के बिना कहीं भेज दे या कहीं किसी सोशल मीडिया साइट पर डाल दे या फिर उन्हें पब्लिश कर दे, तो इसके बारे में क्या कानूनी प्रावधान हमारे पास मौजूद है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, किसी को इस तरह के आपत्तिजनक टेक्स्ट भेजना, तस्वीरें भेजना, ऑडियो भेजना गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कुछ प्रावधान IPC यानी इंडियन पीनल कोड में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में मौजूद है। देखिए, किसी भी औरत को ऐसी आपत्तिजनक वीडियो, तस्वीरें, फिल्म्स, मैसेजेस या फिर न्यूज़ यानी नग्न अवस्था की तस्वीरें भेजना इंडियन पीनल कोड की धारा 354A के अंतर्गत यौन उत्पीड़न माना जाएगा। यानी अगर कोई एक आदमी एक औरत की सेक्सुअल फेवर्स मांगता है या उसका बॉस उसे कहता है कि ऐसे मैसेजेस के बदले वो उसको प्रमोशन कर देगा, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही माना जाएगा क्योंकि सेक्सुअल फेवर्स माने गए हैं। और यहाँ पे उस व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या फिर दोनों करने पड़ सकते हैं। और ऑब्सीन यानी गंदे या पोर्नोग्राफिक मटेरियल या सामान को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी इंटरनेट की मदद से भेजना एक कानूनी अपराध है। IT एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अश्लील तस्वीरें या मैसेज इंटरनेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी फैलाता है लोगों में या बांट देता है या डिस्ट्रीब्यूट करवाता है या बंटवा देता है, तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति इस अपराध को दोबारा से दोहराता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। धारा 67A के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अश्लील चीज़ें जैसे अश्लील वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को इंटरनेट के माध्यम से प्रशासित यानी पब्लिश करता है या कहीं भेजता है या डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटता है, तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और इसे दोहराने पर उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। IT एक्ट की धारा 67B के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बच्चों को अश्लील तरह से दर्शाती हुई तस्वीरें या मैसेज पब्लिश यानी प्रशासित करता है या फिर कहीं भेजता है, तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री आपको भेजता है तो उसका दंड देने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज यानी पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधान काम आएंगे। यहाँ एक और प्रावधान है इंडियन पीनल कोड की धारा 509, जो कि कोई भी शब्द, हाव भाव या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की लज्जा यानी मॉडेस्टी का अपमान करना है, इस अपराध का वर्णन करती है। इसके अंतर्गत भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें उसकी मर्जी के बिना कहीं पोस्ट कर दे या बांट दे या ऐसा कोई भी काम करे, तो उसे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब भी अगर कोई व्यक्ति आपकी किसी निजी तस्वीरों को लीक कर दे या कहीं पर पोस्ट कर दे, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि आपके फ़ोन या डिवाइस में आपकी कोई निजी तस्वीरें हो सकती हैं जिसे किसी साइबर क्राइम यानी इंटरनेट के माध्यम से होने वाले क्राइम की वजह से किसी और ने लीक कर दिया है या किसी और के पास ये तस्वीरें चली गई हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पे भरोसा करके ये तस्वीरें उन्हें दी हों और उसके बाद उन्होंने इन्हें कहीं पे पोस्ट कर दिया हो। देखिए, जब आपकी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे कहीं पे आपको मिले या लीक हो जाए, तो सबसे पहले उन्हें डिलीट करने से पहले आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि शिकायत दर्ज कराने में आपको आसानी हो। उसके बाद अगर अपलोड करने वाला भी आपसे इस बारे में कोई बात करता है या आपको धमकाता है, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप 3 जगहों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो कि है साइबर सेल्स, दी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या वो सोशल मीडिया वेबसाइट जहां वो तस्वीरें दिख रही हैं, जहां वो सर्कुलेट हो रही हैं। और जहां आप रहते हैं अगर वहां पे कोई भी साइबर सेल मौजूद नहीं है, तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में भी जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनकी कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि उन्हें शिकायत दर्ज करनी ही होगी। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का भी कर्तव्य है कि वो विक्टिम यानी पीड़ित की मदद करें पुलिस के साथ तालमेल बैठाने में, और वो इंक्वायरी की एक कमेटी बिठा सकते हैं या सबूत इकट्ठा कर सकते हैं या गवाहों से पूछताछ भी कर सकते हैं। यहाँ इंडियन पीनल कोड की धारा 354C भी लागू होगी, जिसके अंतर्गत अगर कोई आदमी किसी औरत की निजी तस्वीरें खींच लेता है या फैलाता है, तो उसे 1 साल की सज़ा हो सकती है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध को दोहराने पर उसे 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। IPC की धारा 500 भी यहाँ लागू होगी, जो डिफेमेशन यानी मानहानि की बात करती है, जिसके लिए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको जागरूक किया होगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए
हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।